Hi all, this is Anjali और इस वीडियो में हम करेंगे infix to postfix conversion for arithmetic expressions. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन डेटा structures and it is a very major applications of stack. हम stack को यूज करके ये काम करते हैं और ये कैसे होता है, stack वहां पर कैसे यूज होता है, this is what we are going to do in this video. So, infix का मतलब क्या होता है? जब आप arithmetic expressions लिखते हो तो हम उन्हें infix, prefix या postfix में लिख सकते हैं. Infix का मतलब है जब operator operands के बीच में हो. जैसे कि अगर आपको a plus b करना है तो आप a plus b लिखो. ये a और b क्या हो गए? Operands. और plus जो है वो operator है. So, जब operator बीच में होता है, operand side पे होते हैं, that's called infix. लेकिन अगर यहीं पर प्लस पीछे होता ए बी प्लस तो वो हो जाएगा पोस्टफिक्स. और अगर ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आता है दैट्स कॉल्ड प्रीफिक्स. हम यहां पे जो करेंगे वो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन. जैसे कि ये देख रहे हो आप, यहां पे लिखा था ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस डी. इसका पोस्टफिक्स क्या है? ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी माइनस. ये कैसे आया वो हम अभी स्टडी करेंगे. और ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? वो ऐसे होता है, लेफ्ट से राइट स्कैन होती है आपकी. जहां पहला ऑपरेटर आया वो उससे पिछले दो ऑपरेंड्स पे काम करता है. तो यहां पे आया मल्टीप्लाई तो वो बी और सी को मल्टीप्लाई करेगा. फिर आया प्लस तो वो ए और बी एंड सी मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट था उसे एड कर देगा. फिर डी आया, फिर आया माइनस. जब माइनस आएगा तो इस पूरे का जो रिजल्ट था माइनस डी हो जाएगा, जो कि आपका फाइनल रिजल्ट आएगा. और ऐसा ही होना चाहिए था. तो जो सिस्टम है वो इंटरनली अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स फॉर्म में स्टोर करता है और इवैल्यूएट भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को करता है. तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जो यहां करेंगे, दैट फर्स्ट इज टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड देन हम करेंगे हाउ टू इवैल्यूएट पोस्टफिक्स नोटेशंस यूजिंग स्टैक. जो कन्वर्जन भी है वो भी मैं आपको दो वीडियोस में कराऊंगी. अभी हम ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे, मतलब पैरेंथेसिस यूज नहीं करेंगे इस वीडियो में. नॉर्मल कन्वर्जन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पैरेंथेसिस के साथ अगर एक्सप्रेशन हो तो कन्वर्जन कैसे होता है. एंड आफ्टर दैट वील बी डूइंग हाउ टू इवैल्यूएट. हम इनके सूडो कोड्स करेंगे एज वेल एज वील बी डूइंग देयर प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज. राइट, सो पहले हम शुरू करते हैं आपका प्रोसीजर कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट होता कैसे है. देखो, इसको करने के लिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए आप तीन कॉलम्स बनाओगे एंड उन तीन कॉलम्स का नाम होगा इनफिक्स, स्टैक एंड पोस्टफिक्स. मान लो अभी मैं इसी एग्जांपल को लेके चलती हूँ जो मैंने लिखा था, मुझे इसी को कन्वर्ट कराना है. अब मेरे पास तीन कॉलम्स हैं इनफिक्स, एक कॉलम बना लिया मैंने स्टैक का और एक कॉलम बना लिया पोस्टफिक्स का. आपको क्या करना है, एक एक करके इनफिक्स के सारे कैरेक्टर्स को स्कैन करना है. तो इनफिक्स में कैरेक्टर्स क्या है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी. सो ये सारे जो है हमारे एक एक करके स्कैन होने हैं. सो अब ये जो हमने लिखी है इनफिक्स की एक्सप्रेशन ओवर हियर इन द कॉलम, इसे हम एक एक करके स्कैन करेंगे. So, हर एक अल्फाबेट को आप देखोगे, हर एक कैरेक्टर को आप देखोगे कि वो ऑपरेटर है या ऑपरेंड है. सो अगर वो ए बी सी या 5, 7, 3 कुछ भी नंबर्स हैं या अल्फाबेट से, मतलब वो आपका ऑपरेंड है. और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट्स ये सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं. अब हमें इन्हें कॉलम्स के बीच में मूव करना है डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स ऑफ कन्वर्जन. सो एज पर रूल्स ऑफ कन्वर्जन हमारे पास क्या है कि जो ऑपरेंड्स होते हैं वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन में. जो ऑपरेटर्स होते हैं दैट इज प्लस माइनस एंड ऑल, वो पहले जाएंगे स्टैक में. फिर हम स्टैक में उनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि हमें उन्हें स्टैक में रखना है या उससे पहले जो ऑपरेटर पड़ा है स्टैक में उसे पोस्टफिक्स में मूव करना है या नहीं करना है. सो ऑपरेटर कभी भी डायरेक्ट पोस्टफिक्स में नहीं जाता, वो हमेशा पहले स्टैक में जाएगा. इफ रिक्वायर्ड स्टैक से पॉप होके वो पोस्टफिक्स में जाएगा. इस एक्सप्रेशन को करके देखते हैं कैसे काम करेगी. सबसे पहले ए है विच इज एन ऑपरेंड. ऑपरेंड डायरेक्टली कहां चला गया? पोस्टफिक्स में. स्टैक खाली है, खाली रहेगा. फिर आया प्लस. प्लस ऑपरेटर है. कोई भी ऑपरेटर हो, अगर स्टैक खाली है तो वो ऑपरेटर डायरेक्टली स्टैक में जा सकता है. तो जो प्लस है वो डायरेक्टली स्टैक में आ गया. उसके बाद आया बी. बी जो है वो आपका ऑपरेंड है तो वो पोस्टफिक्स में चला जाएगा. फिर आया मल्टीप्लाई.
मल्टीप्लाई इज एन ऑपरेटर तो वो स्टैक में जाना चाहिए। अब यहां आती है सबसे चेक करने वाली चीज जहां पे आपको ध्यान देना है, वो ये है कि स्टैक में कभी भी दो सेम लेवल के ऑपरेटर्स एक साथ नहीं हो सकते, बड़े के ऊपर छोटे प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं हो सकता, छोटे के ऊपर बड़ी हो सकती है लेकिन बड़े के ऊपर छोटी प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या है, बी मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले से क्या पड़ा प्लस, तो प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई स्टैक में आ सकता है, लेकिन अगर कभी उल्टे की जरूरत हो जैसे मल्टीप्लाई पहले हो और प्लस बाद में डालना हो तो वो नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई को आपको निकाल के पोस्टफिक्स में शिफ्ट करना पड़ेगा तब जाके प्लस स्टैक में आएगा। ठीक है, अभी इस केस में मल्टीप्लाई जा सकता है क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है, तो स्टैक के टॉप पे मल्टीप्लाई चला गया, पोस्टफिक्स में वही है जो था, सी ऑपरेंड है तो वो पोस्टफिक्स में डायरेक्ट चला गया। फिर आया माइनस, अब माइनस मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस माइनस से ज्यादा है, तो मुझे मल्टीप्लाई को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई शिफ्ट हो गया पोस्टफिक्स में। फिर बचा प्लस, अभी मैंने आपको बताया कि दो सेम लेवल के ऑपरेटर्स भी साथ में नहीं हो सकते, सिंस दो सेम लेवल के ऑपरेटर्स साथ में नहीं हो सकते मुझे प्लस को भी रिमूव करना पड़ेगा, सो प्लस भी रिमूव होकर यहां पर आ जाएगा, स्टैक खाली हो गया तो आई कैन पुट माइनस ओवर हियर। फिर आया डी, जब डी आएगा तो ये हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी। अब जब माइनस आया सो वी आर गोइंग टू पॉप दैट एट द एंड, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन यहां खत्म हो चुकी है, खत्म होने के बाद स्टैक में जो भी ऑपरेटर्स बचे होते हैं उन्हें आप पॉप करके एक्सप्रेशन के पीछे लगा सकते हो, सो मैंने माइनस था वो पॉप करके पीछे लगा दिया एंड दिस इज माय पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो रूल्स क्या है, ऑपरेंट डायरेक्टली मूव्स टू पोस्टफिक्स, सेकंड ऑपरेटर हैज टू गो टू द स्टैक फर्स्ट, जब वो स्टैक से रिमूव होता है तब वो पोस्टफिक्स में जाता है, और स्टैक अगर खाली है तो हम कोई भी ऑपरेटर डाल सकते हैं, अगर स्टैक में लो लेवल का ऑपरेटर है तो हाई लेवल का उसके ऊपर आ सकता है, सेम लेवल के साथ में नहीं हो सकते, हायर लेवल प्रेसिडेंस के ऊपर लोअर लेवल प्रेसिडेंस नहीं आ सकता, इन दोनों केसेस में जब ऑलरेडी सेम लेवल का पड़ा हो या ऑलरेडी हायर पड़ा हो स्टैक में तो न्यू ऑपरेटर को स्टैक में डालने से पहले आपको पुराना ऑपरेटर निकाल के पोस्टफिक्स में शिफ्ट करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो आप ट्राई करोगे खुद इसी को करने का, पर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, लेट इट बी ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, छोटी सी एक्सप्रेशन कर दिया मैंने, आप इतने से को ट्राई करो और इसका रिजल्ट मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ सो दैट आई कैन सी कि आप में से कितनों को समझ आया है। आने वाली वीडियोस में हम और एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट किया जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बड़ी एक्सप्रेशन लेके उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, जब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा दो तीन एग्जांपल्स के बाद फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस हो तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कन्वर्जन कैसे होती है। इफ यस डू क्लिक द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो That's it for this one. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.